नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा मैं पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास के बारे में। आज़ादी मिली और देश का विभाजन हुआ तो बंगाल का भी विभाजन हुआ। पश्चिम बंगाल का हिस्सा भारत में रह गया और पूर्वी बंगाल का हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और बाद में वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाया। दोनों ही ओर खून खराबे के अलावा विस्थापन और शरणार्थियों की समस्याओं से रूबरू होना पड़ा। फिर 1971 में भारत के सक्रिय सहयोग से पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश होकर के बांग्लादेश बना। लेकिन इस दौरान एक बार फिर पश्चिम बंगाल को लाखों लोगों की शरण देनी पड़ी। इसी बीच सन 1950 में भी कूच बिहार राज्य ने भारत में मिलने का फैसला किया और 1955 में जो फ्रांसीसी क्षेत्र में आता था चंदन नगर, वो भी भारत को सौंप दिया गया और ये दोनों ही पश्चिम बंगाल का हिस्सा बने। बाद में बिहार का भी कुछ हिस्सा इसमें शामिल किया गया। सन 1967 से लेकर के 1980 के बीच का समय पश्चिम बंगाल के लिए नक्सलवादी आंदोलन, बिजली के गंभीर संकट, हड़तालों और चेचक के प्रकोप का समय रहा। इन संकटों के बीच राज्य में आर्थिक गतिविधियां मानो थमी सी रहीं। इस बीच राज्य में राजनीतिक अस्थिरता भी चलती रही। आज़ादी के बाद से 1967 तक तो कांग्रेस का शासन रहा, उसके बाद कोई 8 महीनों के लिए बांग्ला कांग्रेस के नेतृत्व में यूनाइटेड फ्रंट ने सत्ता संभाली और इसके बाद 3 महीने प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक गठबंधन ने राज किया और फिर फरवरी 1968 से फरवरी 1969 तक 1 साल राज्य में राष्ट्रपति शासन रहा। मुश्किल से 1 साल यानी कि फरवरी 1969 से लेकर के मार्च 1970 तक बांग्ला कांग्रेस ने फिर सत्ता संभाली और आगे के 1 साल राष्ट्रपति शासन का दौर रहा। अप्रैल 1971 से जून 1971 तक कांग्रेस ने राज्य में सत्ता संभाली लेकिन सरकार कायम ना रह पाई और जून 71 से लेकर के मार्च 72 तक फिर से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। इसके बाद शुरू होता है बंगाल की राजनीति में स्थिरता का दौर। इसके बाद बंगाल का राजनीतिक इतिहास कम से कम सत्ता की दृष्टि से स्थिरता का इतिहास दिखाता है। वर्ष 1972 के मार्च में इंदिरा गांधी के चहेते और बांग्लादेश के निर्माण काल के दौरान उनके सहयोगी रहे सिद्धार्थ शंकर रे ने सत्ता संभाली, जो कि इमरजेंसी के दौरान और उसके बाद चुनाव होने तक सत्ता में रही। जून 1977 में जब पूरे देश में आपातकाल की बाद परिवर्तन की लहर चल रही थी तो पश्चिम बंगाल में भी सत्ता का परिवर्तन हुआ और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में वाम मोर्चा या फिर जिसे हम लेफ्ट फ्रंट बोलते हैं, उन्होंने सत्ता संभाली। ज्योति बसु राज्य के मुख्यमंत्री बने। वाम मोर्चे की सरकार ने राज्य में भूमि सुधार जैसे असाधारण काम किए और आम लोगों को अधिकार संपन्न बनाने की कोशिश की। वाम मोर्चे के जनोन्मुख नीतियों का इतना सकारात्मक असर हुआ और राज्य में कांग्रेस की स्थिति लगातार इतनी कमजोर होती गई कि अगले 34 सालों तक यानी कि 2011 तक राज्य में वामपंथियों को सत्ता से कोई हटा नहीं पाया। सन 1947 से 1977 तक जहां राज्य में 7 मुख्यमंत्री बदले और 3 बार राष्ट्रपति शासन रहा, वहीं 1977 से लेकर 2011 तक वाम मोर्चा के सिर्फ 2 मुख्यमंत्रियों ने कामकाज संभाला। पहला कार्यकाल जो कि ज्योति बसु ने 21 जून 1977 से लेकर के 6 नवंबर 2000 तक किया, फिर उन्होंने अपनी उम्र का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री का पद से हट गए थे, तो बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कमान संभाली और 2011 के मई में विधानसभा चुनाव तक पद पर बने हुए रहे। इसके बाद सरकार बनी तृणमूल कांग्रेस की, जो कि अभी तक जारी है। इसी बीच केंद्र में 1996 में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी तो ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव भी मिला, लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और वह अब तक इस बात के लिए अफसोस करते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ कि इसी बीच में कांग्रेस के अनुभवी नेता प्रणब मुखर्जी का कांग्रेस में दबदबा कायम रहा, लेकिन वे पश्चिम बंगाल में ऐसी जमीन तैयार नहीं कर पाए जहां खड़े होकर वे वाम मोर्चे को चुनौती देते। प्रियरंजन दास मुंशी जैसे लोकप्रिय नेता भी हुए लेकिन उनका कद कभी इतना बड़ा नहीं हो सका कि वे वामपंथियों के लिए कांग्रेस को चुनौती के रूप में खड़ा करते। अलबत्ता युवक कांग्रेस के जरिए राजनीति में आई तेज तर्रार नेता ममता बनर्जी ने अपनी जमीन तैयार की और उसका पर्याप्त विस्तार भी किया। पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस बनाई और फिर धीरे धीरे अपनी पार्टी को कांग्रेस से बड़ा कर लिया। जब आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हुआ उसके बाद वे वामपंथी सरकार ने धीरे धीरे अपने को बदलने का क्रम शुरू किया। वर्ष 2000 के दशक में बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की चर्चा शुरू हुई
और टाटा जैसे उद्योगपति को आमंत्रित करके कार उद्योग लगाने को कहा गया। लेकिन ये बदलाव वाम मोर्चे को भारी पड़ा और इस औद्योगिक विकास के विरोध में ममता बनर्जी का सितारा बुलंद होता गया और धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में आ गई और कांग्रेस उसकी छोटी सहयोगी पार्टी के रूप में रही। और इसके बाद वाम मोर्चे के किले को ध्वस्त करके ममता बनर्जी ने सन 2011 में पूर्ण बहुमत के साथ बंगाल में सरकार बनाई। उसके बाद उन्होंने 2016 में भी सरकार बनाई और धीरे धीरे अभी इस बार जो वर्तमान के चुनाव 2021 में भी पूर्ण बहुमत के साथ उनकी सरकार सत्ता में वापसी की है उन्होंने और मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है। तो बंगाल का ये जो राजनीतिक इतिहास था, जो कि मैंने आपको आज़ादी से लेकर के प्रेजेंट यानी कि वर्तमान तक का बताया, तो आप लोगों को इससे काफ़ी जानकारी मिल गई होगी कि बंगाल में धीरे धीरे कैसे पार्टियां चेंज होती गई, हिंसा से लेकर के और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि लगातार चलती रहीं, कहाँ कब कितना डेवलपमेंट हुआ। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।